वेलकम टू प्रेजेंटेशन। आज के टॉपिक में हम टैली में स्टॉक क्रिएट करना सीखते हैं। उसके लिए पहले आप अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी के लिए आप अपने स्टॉक को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप गेटवे ऑफ टैली विंडो में मास्टर्स पर जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा इन्वेंट्री इन्फो का। आप इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इन्वेंट्री इन्फो की विंडो आ जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर। यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ स्टॉक ग्रुप, सेकंड इज़ यूनिट ऑफ मेजर एंड थर्ड है हमारा स्टॉक आइटम्स। पहले हम स्टॉक ग्रुप के क्रिएट करेंगे, देन उनके बाद उनकी यूनिट हम फाइंड करेंगे कि किस यूनिट में हम अपने स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं। लास्ट में हम स्टॉक आइटम्स को एंटर करेंगे। तो चलिए हम पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। हमने स्टॉक ग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो आपके पास स्टॉक ग्रुप की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, सिंगल स्टॉक ग्रुप एंड मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स। फिलहाल हम सिंगल स्टॉक ग्रुप पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट, तो यहाँ पर हमने एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे आपके पास स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की विंडो आ चुकी है। यहाँ पर अपना हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। पहले हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है। यहाँ पर आप देखेंगे परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम महालक्ष्मी स्टील इंडस्ट्री ऑन 1 मई 2014। इनवॉइस नंबर है BCE201। इसका मतलब क्या है कि महालक्ष्मी स्टील इंडस्ट्री से गुड्स परचेज किए गए हैं, कितनी डेट को, 1 मई 2014 को, और इसका इनवॉइस नंबर भी दिया गया है। यहाँ पर आइटम्स की डिस्क्रिप्शन है, उनकी क्वांटिटी है केजीएस किलोग्राम्स में और उनका रेट है रुपीज़ में। फर्स्ट आइटम है हॉट रोल्ड बीम, कोल्ड रोल्ड चैनल्स, क्वांटिटी 200, रेट 300, 200 एंड 400। यहाँ पर एक नोट दिया गया है। नोट, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव क्रिएटेड द फॉलोइंग लेजर बिफोर पासिंग द अबव एंट्री। जब हम ये एंट्रीज पास करेंगे तो इससे पहले हमारे पास लेजर्स क्रिएट होने चाहिए। कौन कौन से? परचेज अकाउंट, जिसे हम किस ग्रुप हेड के अंडर रखेंगे, परचेज अकाउंट के, महालक्ष्मी स्टील इंडस्ट्रीज, सन्ड्री डेटर्स। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास परचेज द फॉलोइंग गुड्स मिकी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ऑन 1 मई 2014। इसका भी इनवॉइस नंबर दिया गया है। आइटम्स कौन कौन सी हैं ये दिए गए हैं हमारे पास, क्वान्टिटी रेट दिया गया है। इसमें हम कौन सा लेजर क्रिएट करेंगे, मिकी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, सनरीड क्रेडिटर्स के अंडर रखेंगे। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू जेनरिक फैब्रिकेटर्स। जेनरिक फैब्रिकेटर को सोल्ड किए हैं ग्रुप गुड्स किस डेट को, 1 मई 2014 को। इनकी आइटम्स की डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, रेट दिया गया है। इसमें हम लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट का, किस ग्रुप के हेड के अंडर, सेल्स अकाउंट के, जेनरिक फैब्रिकेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में। ये हम लेजर्स पहले से ही क्रिएट करके रखेंगे जब हमने ये एंट्रीज पास करनी है। सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू मेटल क्राफ्ट, आइटम्स हैं इनके स्लॉटेड एंगल, कोल्ड रोल चैनल, लेजर कौन सा चाहिए इसमें, मेटल क्राफ्ट, सन्ड्री डेटर्स के अंडर। तो हमने ये लेजर्स पहले से ही क्रिएट किए हैं। चलिए हम पहले यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। स्टॉक ग्रुप में हम रखते हैं इसे रॉ मटेरियल में। यहाँ पर हम इसका स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया हमने रॉ मटेरियल के नेम से। यहाँ पर हमने टाइप किया रॉ मटेरियल, एंटर। देन इसके बाद अंडर में रखेंगे हम इसे प्राइमरी। कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसे नो रहने देते हैं और यह वाई प्रेस करके या एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा लेते हैं। अब हम एस्केप करके बाहर आएंगे। दो बार एस्केप प्रेस किया हमने। अब हम सेकंड स्टेप पर चलते हैं यूनिट ऑफ मेज़र में। मीन्स आप इन आइटम्स को कौन सी यूनिट में मेज़र करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया था केजीएस में, मीन्स किलोग्राम्स में। तो सिंबल में हम इसका केजीएस टाइप करते हैं, किलोग्राम्स का इसका क्या सिंबल होता है। एंटर प्रेस किया हमने, फॉर्मल नेम हम देंगे किलोग्राम का फुल नेम। यहाँ पर हमने किलोग्राम लिखा, एंटर प्रेस किया और अगेन से एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा लिया। अब हम एस्केप करके स्क्रीन से बाहर आते हैं। अब हम आइटम्स क्रिएट करेंगे। चलिए हम एग्जांपल में देखते हैं हमारी फर्स्ट आइटम कौन सी है। हमारी फर्स्ट आइटम है, आप देखेंगे,
हॉट रोल्ड बीम्स, हॉट रोल्ड बीम्स 25 mm, देन कोल्ड रोल्ड चैनल्स 10 mm, इनको हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने किया स्टॉक आइटम्स एंटर, देन स्टॉक सिंगल स्टॉक आइटम मल्टीपल स्टॉक आइटम, सिंगल स्टॉक आइटम पर हमने क्रिएट पर एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आपके पास स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो आ जाएगी। फर्स्ट हम यहाँ पर देते हैं हॉट रोल्ड बीम्स, देन 25 mm, इसकी ये क्वांटिटी दी गई है। अंडर में हम रखेंगे, इसे रखेंगे रॉ मटेरियल, यूनिट्स में हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं kgs, एंटर, और एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा लेते हैं। सेकंड आइटम है हमारी कोल्ड रोल चैनल्स, तो यहाँ पर हमने उसका नेम टाइप किया पहले कोल्ड रोल चैनल्स, देन 10 mm, एंटर। अंडर इसे रखेंगे रॉ मटेरियल kgs, एंटर प्रेस करके स्क्रीन को भी हमने एक्सेप्ट करवा लिया। चलिए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड की हमारी जो एंट्री है वो क्या है, स्टील शीट्स, पहले हम ये क्रिएट करते हैं। कोल्ड रोल चैने हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी आइटम आप पहले क्रिएट कर चुके हैं वो अब आप दोबारा से उसे क्रिएट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इस एग्जांपल के लिए क्रिएट करेंगे स्टील शीट्स एंड स्लॉटेड एंगल 10 mm। चलिए इसे क्रिएट करते हैं। हमने यहाँ पर किया स्टील शीट्स, एंटर किया इसके नेम में, एंटर। इसे भी रखेंगे रॉ मटेरियल के अंडर kgs, और स्क्रीन को एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करवा लेंगे। नेक्स्ट है हमारे स्लॉटेड एंगल्स, यहाँ पर हमने उसका नेम टाइप किया, देन 10 mm इसका भी दिया हुआ है। अंडर रखेंगे रॉ मटेरियल kgs, यूनिट्स, एंटर प्रेस करके स्क्रीन को भी हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। चलिए थर्ड एग्जांपल पढ़ते हैं, हॉट रोल्ड बीम्स एंड कोल्ड रोल्ड चैनल, ये हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है हमारे पास स्लॉटेड एंगल्स एंड कोल्ड रोल्ड चैनल्स, ये दोनों भी हम पहले से ही क्रिएट कर चुके हैं तो अब हम इन्हें दोबारा से क्रिएट नहीं करेंगे। चलिए हम इनकी एंट्री पास करना सीखते हैं। हम टैली में जाएंगे, एस्केप प्रेस किया हमने स्क्रीन से बाहर आने के लिए, अगेन एस्केप प्रेस करके हम गेटवे ऑफ टैली विंडो में आ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, यहाँ पर हम एग्जांपल में देखते हैं हमने परचेज किया है तो यहाँ पर हम परचेज वाउचर ओपन करते हैं। यहाँ पर हम F9 प्रेस करके परचेज वाउचर ओपन करेंगे या इस लिस्ट में से यहाँ पर परचेज पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे। रेफरेंस आप किसी का भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम F2 करके इसकी डेट चेंज करेंगे, पहले वो है 1 मई, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। फर्स्ट मई 2014, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 मई 2014 डेट चेंज हो चुकी है। देन पार्टी नेम में हम पार्टी नेम एंटर करते हैं, क्या है हमारी पार्टी का नेम, महालक्ष्मी स्टील इंडस्ट्रीज, यहाँ पर हम इसे क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सप्लायर डिटेल्स आ जाएंगी। वन बाय वन आप इनकी डिटेल एंटर कर सकते हैं या फिर एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। देन परचेज लेजर में हम एंटर करेंगे परचेज अकाउंट, देन नेम ऑफ आइटम में हम आइटम ऐड करेंगे, आइटम्स कौन कौन सी, हमारी हॉट रोल्ड बीम्स एंड कोल्ड रोल्ड चैनल्स, कितनी कितनी क्वांटिटी है इनकी, हम वो एंटर कर देते हैं। पहले हम करेंगे हॉट रोल्ड बीम, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया हॉट रोल्ड बीम्स, क्वांटिटी में इनकी क्वांटिटी एंटर की 200, देन इसके बाद इनका रेट एंटर किया वो है हमारे पास 300, रेट में हमने एंटर किया 300, तो आप देखेंगे कि पर kgs अमाउंट इनकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ चुकी है। क्वांटिटी 200, रेट है इनका पर का हर हॉट रोल्ड बीम का 300, तो कैलकुलेट होकर हमारे पास आ चुका है 60,000। एंटर प्रेस करेंगे नेक्स्ट आइटम सिलेक्ट करने के लिए, वो है हमारे पास कोल्ड रोल्ड चैनल्स, एंटर प्रेस किया, इसकी क्वांटिटी एंटर की 200, इसके बाद इसका रेट एंटर किया 400, तो इसकी भी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ चुकी है। अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसकी नरेशन एंटर कर देते हैं।
यहाँ पर हम इसकी नरेशन एंटर करेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम महालक्ष्मी स्टील इंडस्ट्रीज, इसकी आप कोई भी नरेशन एंटर कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में है हमारे पास, हमने कौन कौन सी आइटम परचेज की, पहले हम वो देखते हैं। किस मीके मिकी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से, यहाँ भी हम परचेज लेजर को यूज़ करेंगे। इसका इनवर्स नंबर भी आप दे सकते हैं। टैली की विंडो पर चलते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम देंगे मिकी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, एंटर। इसकी भी आप डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। परचेज लेजर में देंगे परचेज अकाउंट, एंटर। नेम ऑफ आइटम में इसकी आइटम्स एंटर करते हैं, स्टील शीट्स, एंटर। इसकी अमाउंट है 500, क्वांटिटी रेट है 45, एंटर। इसकी भी अमाउंट कैलकुलेट होकर 22,500 आपके पास आ चुकी है। एंटर प्रेस करके सेकंड आइटम सिलेक्ट करते हैं, कोल्ड रोल चैनल्स। इसकी क्वांटिटी है आपके पास 400, एंटर। इसका रेट एंटर किया 250, एंटर। तो इसकी भी अमाउंट कैलकुलेट होकर आपके पास आ जाएगी। अब हम थर्ड एंटर करते हैं, स्लॉटेड एंगल्स। यहाँ पर आप देखेंगे 10 mm, एंटर। इसकी क्वांटिटी है हमारे पास 50, रेट है इसका 230। यहाँ पर हमने रेट एंटर किया तो आप देखेंगे इसकी भी अमाउंट कैलकुलेट होकर आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। एंटर प्रेस करेंगे और स्क्रीन की नरेशन एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने किया परचेज, परचेज गुड्स फ्रॉम मिकी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, एंटर प्रेस किया और स्क्रीन को भी हमने एक्सेप्ट करवा लिया। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू जेनरिक फैब्रिकेटर। अब हम यहाँ पर सोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सेल अकाउंट को, सेल अपने जो वाउचर है उसे यूज़ करेंगे। किस डेट को, 1/5/2014 को जेनरिक फैब्रिकेटर्स को। चलिए हम यहाँ पर इसकी एंट्री बनाते हैं। पहले हम यहाँ से सेल्स वाउचर ओपन करेंगे, F8 करेंगे या फिर स्क्रीन से करेंगे सेल्स। यहाँ पर हमने सेल्स किया, डेट बाय डिफ़ॉल्ट 1 मई 2014 है तो हम यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारी डेट है वो यही है। अब हम एंटर प्रेस करते हैं। पार्टी नेम में हम एंटर करते हैं जनरी फैब्रिकेटर। इसकी आप डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, बायर डिटेल एंटर कर सकते हैं या फिर इसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। वन बाय वन एंटर प्रेस करते जाएंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाएंगे। सेल्स लेजर में एंटर करेंगे सेल्स अकाउंट और अब हम इसकी आइटम्स एंटर करते हैं। हम यहाँ पर पहले करते हैं होल्ड रोड, इसकी क्वांटिटी है 200, इसका रेट है हमारे पास 300 और आप देखेंगे इसकी जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। कोल्ड रोल्ड चैनल्स, इसकी एंटर करेंगे क्वांटिटी 200 और इसकी अमाउंट है 400, तो आपके पास इसकी भी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे और इसकी नरेशन एंटर करेंगे, सोल्ड गुड्स टू जेनरिक फैब्रिकेटर्स। यहाँ पर हमने इसकी नरेशन एंटर की, फैब्रिकेटर्स, एंटर प्रेस किया और स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाया। अब हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल में हमारे पास सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू मेटल क्राफ्ट, डेट भी इसकी सेम है, स्लॉटेड एंगल एंड कोल्ड रोल्ड चैनल्स। किसे हमने एंटर किया, मेटल क्राफ्ट को। चलिए इसकी भी एंट्री बनाते हैं। यहाँ पर हम पार्टी नेम में एंटर करेंगे मेटल क्राफ्ट, एंटर। इसकी भी डिटेल्स आप एंटर कर सकते हैं। स्क्रीन को हमने एक्सेप्ट करवाया। नेम ऑफ आइटम्स में हमने दिया स्लॉटेड एंगल्स, एंटर। इसकी क्वांटिटी रखी 60, रेट रखा 250, देन इसका अमाउंट आपके पास आ चुका है, एंटर। स्लॉटेड एंगल के बाद हमारे पास है कोल्ड रोड चैनल्स, एंटर। इसकी क्वांटिटी रखी 100 और इसका रेट रखा 350। हम इसकी एग्जांपल में एक बार चेक कर लेते हैं, इसका रेट है 300, तो यहाँ पर हमने इसका रेट एंटर किया 300, तो आप देखेंगे इसकी भी अमाउंट आ जाएगी। और अब हम इसकी नरेशन एंटर करते हैं,
सोल्ड गुड्स, टू मेटल क्राफ्ट, यहाँ पर हम कर देते हैं टू सोल्ड गुड्स, टू मेटल क्राफ्ट और स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा लेते हैं। एस्केप करके बाहर आएंगे और अब हम गेटवे की विंडो में आ चुके हैं। तो इस तरह से हम अपने किसी भी कंपनी के लिए स्टॉक को क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।